हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बच्चों बात करने जा रहे हैं कि अगर मुझे कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा हो तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एंड टर्म्स को मैं किस तरीके से ऐड करता हूँ। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सम ऑफ एंड टर्म्स। अगर मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म जो है मेरे बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास डी है, तो मैं इसके हिसाब से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकता हूँ। ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस एन माइनस 1 × D। अगर मुझे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को ऐड करना हो, अगर मुझे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एंड टर्म्स को ऐड करना हो तो SN इजिकल टू होता है बच्चों, SN इजिकल टू एन बाई टू, 2A प्लस एन माइनस 1 × D, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, d मेरा कॉमन डिफरेंस है और ये मेरा क्या है फर्स्ट टर्म है। तो ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस तरीके से निकाला जाता है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, SN इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 × D। ये मेरे पास लास्ट टर्म है। तो आपसे कहा जाता है SN इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब मुझे क्या दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दे रखा हो और लास्ट टर्म दे रखा हो। तो इस तरीके से मैं सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करता हूँ। तो चलिए बेटा इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइए बेटा कि द सम ऑफ 7 + 21/2 + 14 + --84। मुझे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को सम करना है, 7 + 21/2 + 14 + 84। मुझे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को सम करना है 84 तक। तो बेटा यहाँ पर ए जो है, ए मेरे पास 7 है, डी का मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। टू आपने एलसीएम लिया, 21 - 14 ये आ जाएगा आपका 7/2। यहाँ से ए मेरे पास मालूम, डी मुझे मालूम और ये मेरे पास क्या है बेटा लास्ट टर्म ए एन कितना है मेरे पास 84 और ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 × D इज इक्वल टू 84। ए मेरे पास कितना है 7 + (n-1/2) 7/2 इज इक्वल टू 84। अब ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 × 7/2 84 माइनस 7। ये होगा आपके पास n माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 77। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11। तो n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 11, n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। तो n हो जाएगा बेटा 22 + 1 इज इक्वल टू 23। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को 7 से शुरू करता हूँ और 84 तक अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 23 टर्म्स हैं। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का 23 टर्म्स का सम करना है। तो S23 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो S23 मतलब 23/2 प्लस इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मुझे लास्ट टर्म गिवन है। तो मैं आपसे कहूंगा कि पहला टर्म है आपके पास 7 प्लस लास्ट टर्म है आपके पास 84। तो ये आपके पास हो जाएगा 23/2 × 91। तो 23 × 91/2 इसको अब आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23, 91, 3, 27, 2, 18, 39, 39,
ये आपका आएगा मेरे पास जीरो और ये आएगा मेरे पास टू डिवाइड बाय टू, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 2093 डिवाइड बाय टू, तो इसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो जब कभी भी इस अर्थमेट इस तरह का कोई आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देगा जिसमें आपको आपको एक प्रोग्रेशन दे दी जाएगी जहां पर आपको लास्ट टर्म दिया जाएगा, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को आप तभी आप सम कर सकते हो जब आपको एन पता हो। तो एन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, विद द हेल्प ऑफ द लास्ट टर्म हम एन कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरीके से हम इसको सम कर लेंगे। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह आपसे कह रहा है किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म 2 है, सेवन टर्म 22 है, तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ 30 टर्म्स क्या होगा। तो सम ऑफ 30 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए, सम ऑफ 30 टर्म कैलकुलेट करने के लिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मुझे सम ऑफ 30 टर्म कैलकुलेट करना है, इसका मतलब यह है कि मैं एन की जगह 30 पुट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 30 डिवाइड बाई टू टू ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यह आ जाएगा आपका 15 टू ए प्लस, यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 29 डी। अब मुझे एस 30 कैलकुलेट करना है और एस 30 का मतलब है 15 टू ए प्लस 29 डी। अब अगर मुझे कहीं से ए और डी मालूम हो जाए तो मैं सम ऑफ 30 टर्म कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ए और डी मालूम करने के लिए मुझे यहां पे दो कंडीशन दे रखी हैं। आपसे ये कह रहा है बेटा ए टू मेरे पास 2 है एंड मेरे पास ए 7 जो है वो 22 है, तो ए 2 का मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू 2 एंड ए 7 का मतलब है ए प्लस 6 डी इज इक्वल टू 22। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इस दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, ए और डी कैलकुलेट करना है। तो ये है मेरे बच्चों ए प्लस डी इज इक्वल टू 2 और ये है मेरे पास ए प्लस 6 डी इज इक्वल टू 22। अब मैं दोनों को माइनस कर लूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 5 डी इज इक्वल टू माइनस 20, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5, डी इज इक्वल टू होगा मेरे पास 4। अब ये वैल्यू मैं कहां पुट कर सकता हूं, फर्स्ट या सेकंड में, तो ये आ जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 2, a मेरे पास मुझे कैलकुलेट करना है, d मेरे पास 4 है, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 2 और d इज इक्वल टू 4। अब मुझे कैलकुलेट करना है सम ऑफ 30 टर्म, सम ऑफ 30 टर्म एस 30 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15 2 इंटू ए, ए है यहां पर माइनस 2 प्लस 29 इंटू डी है मेरे पास 4, डी है मेरे पास 4, तो एस 30 इज इक्वल टू 15 ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9 फोर द 36, 2 फोर द 8, 3 11, तो ये हो जाएगा एस 30 इज इक्वल टू 15, ये आपका बचेगा 1112। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 टू द 30, 15 8 1680, तो इसके हिसाब से आंसर होगा 1680। तो किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बेटा जब भी हम सम कैलकुलेट करते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सम कैलकुलेट करने के लिए आपको ए पता होना चाहिए, आपको डी पता होना चाहिए और आप कितने टर्म का सम कर रहे हैं उसको भी मालूम होना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे कह रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड टू ए रेस्पेक्टिवली, देन सम इज, किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है, फर्स्ट टर्म मेरे पास बच्चों ए है, सेकंड टर्म मेरे बच्चों मेरे पास बी है और लास्ट टर्म मेरे पास कितना है टू है। इस गिवन इंफॉर्मेशन से
मुझे सम कैलकुलेट करना है, मुझे सम कैलकुलेट करना है कि सम कितना होगा। तो बच्चों फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म तो मैं कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, कॉमन डिफरेंस का मतलब हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ए टू है मेरे पास बी माइनस ए, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास बी माइनस ए। अब मुझे कितने टर्म का सम कैलकुलेट करना है, मुझे सम कैलकुलेट करना है बच्चों एन टर्म्स का सम, मुझे एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मेरे पास कितना है टू ए, लास्ट टर्म टू ए, यह है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है मेरे पास बी माइनस ए, बी है मेरे पास बी माइनस ए। तो यह हो जाएगा टू ए माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन बी माइनस ए। तो टू ए माइनस ए ए आ जाएगा, यह हो जाएगा एन माइनस वन बी माइनस ए। तो ए डिवाइड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन। आप बी माइनस ए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो एन हो जाएगा बी माइनस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सम जो कैलकुलेट करना है वो बी माइनस एन जो है एन, एन मेरे पास है बी अपॉन बी माइनस ए। अब मुझे सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करना है तो एस एन बराबर एन बाई टू, एन बाई टू बी माइनस ए, बी माइनस ए बाई टू मतलब बी अपॉन टू बी माइनस ए। ये मेरे पास कह रहा है फर्स्ट टर्म इसका ए है और बेटा लास्ट टर्म इसका टू ए था, तो ए प्लस टू ए। तो ये हो जाएगा मेरे पास b डिवाइड बाई टू बी माइनस ए इंटू थ्री ए, या मैं ये कह सकता हूं कि थ्री ए बी डिवाइड बाई टू बी माइनस ए। तो इसका जो आंसर होगा थ्री ए बी डिवाइड बाई थ्री, थ्री ए बी डिवाइड बाई टू बी माइनस ए। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा मेरा हो जाएगा थ्री ए बी डिवाइड बाई टू बी माइनस ए। तो यहाँ पर मेरे बच्चों टू मिसिंग है, तो इसके हिसाब से मेरा आंसर थ्री ए बी डिवाइड बाई टू बी माइनस ए होगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एनथ टर्म ऑफ एन एपी इज ए एन इज इक्वल टू नाइन माइनस फाइव एन देन द सम ऑफ द फिफ्टीन टर्म्स। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एनथ टर्म गिविन है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एनथ टर्म गिविन है ए एन इज इक्वल टू मेरे पास है मेरे बच्चों नाइन माइनस फाइव एन। तो जब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे एनथ टर्म गिविन है तो बेसिकली मुझे उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म भी मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम है। अगर मैं यहां पर एन की जगह वन पुट करता हूं तो एन माइनस फाइव इंटू वन ये हो जाएगा एन माइनस फाइव इजिकल टू फोर, ए टू इजिकल टू हो जाएगा नाइन माइनस फाइव इंटू टू तो ये हो जाएगा नाइन माइनस टेन इजिकल टू माइनस वन। अब मैं यहां से डी कैलकुलेट कर सकता हूं, डी इजिकल टू ए टू माइनस ए वन माइनस वन माइनस फोर, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस फाइव। तो मुझे एक ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ 15 टर्म्स कैलकुलेट करना है जिसका मेरे बच्चों फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस माइनस 5 है। तो चलिए बेटा सम ऑफ 15 टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। तो एस 15 इज इक्वल टू 15 बाई टू एन बाई टू टू इंटू ए, ए है मेरे पास कितना 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी है मेरे पास माइनस 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 15 डिवाइड बाई टू, ये है 8 प्लस 14 इंटू माइनस 5। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई टू 8 माइनस 70, 8 माइनस 70 15 डिवाइड बाई टू इंटू यह आएगा माइनस का 62, माइनस का 62, माइनस का 62 आएगा। तो ये 62 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 31। तो ये हो जाएगा एस 15 इज इक्वल टू माइनस 31 इंटू 15, 15 5 45 6।
माइनस 465, तो एस 15 जो है माइनस 465 होगा, तो इसके हिसाब से मेरे पास आंसर डी आ जाएगा। तो जब भी किसी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एनेटम आपको गिविन है, तो इसका मतलब यह है कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का डायरेक्ट मुझे क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। अगर किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का अगर मुझे एनेट टर्म मालूम है, तो बेसिकली ए एन प्लस बी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही शानदार सवाल है। ये आपसे कह रहा कि द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हूज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30, कि मुझे उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का 11 टर्म का सम कैलकुलेट करना है जिसका मिडिल मोस्ट टर्म इज 30 है। तो बेटा ये आपसे कह रहा है किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर a1, a2, a3, a4 मेरे पास 11 टर्म्स हैं, यहां से लेके यहां तक जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 11 हैं। तो जब किसी भी एक सीक्वेंस के अंदर अगर 11 टर्म्स हैं, तो इसका मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा? मिडिल मोस्ट टर्म मतलब अगर आप मिडिल टर्म की बात करेंगे किसी भी सीक्वेंस का, तो ये दो बातों पर डिपेंड करेगा कि उस सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, क्या नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं या नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास इवन है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो मिडिल टर्म का ये मतलब है मिडिल टर्म होगा एन प्लस 1/2 टी एच टर्म, एन प्लस 1/2 एच टर्म, एन है मेरे पास 11 प्लस 1/2, 11 प्लस 1/2 टी एच टर्म, तो ये हो जाएगा 12/ टी एच टर्म, तो ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्म। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा वो सिक्स टर्म होगा। मतलब अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 5, यहां से यहां देखेंगे तो ये 5, तो ये जो टर्म है मिडिल मोस्ट टर्म है, ये जो टर्म है ये मिडिल मोस्ट टर्म है। और ये कौन सा टर्म है? स्टार्टिंग से छठा टर्म है, स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है? सिक्स्थ टर्म है। तो इसका मतलब ये है A6, मतलब ये A6 गिविन है मिडिल मोस्ट टर्म। A6 कितना है? A6 है मेरे पास 30, तो A6 का मतलब हुआ A+5D=30। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन गिविन है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन गिविन है कि A+5D=30। अब मेरे बच्चे मुझे कैलकुलेट करना है सम ऑफ 11 टर्म। तो S11=11/2 2 into A+11-1 into D, ये हो जाएगा आपके पास 11/2 2A+5D, ये हो जाएगा 11/2 सॉरी यहां पे आएगा आपका 10D। तो ये हो जाएगा S11=11/2 2A+10D, तो ये आ जाएगा 11/2, 2 में यहां से कॉमन लूंगा तो ये बचेगा A+5D, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 11 into A+5D, और A+5D की वैल्यू मेरे पास है 30। तो इस तरीके से S11=11 into 30 मतलब 330। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के 11 टर्म का सम जो होगा मेरे बच्चों वो 330 हो जाएगा। एक अच्छा सवाल है जो आपके एंट्रेंस में आ सकता है। तो चलिए बेटा, द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 divisible by 3, कि मुझे इस तरह के ऑड इंटीजर्स का सम कैलकुलेट करना है बच्चों, किसके बीच, 2 और 100 के बीच जो 3 से डिविजिबल है।
दो और टू और हंड्रेड के बीच में ऐसे नंबर का मुझे सम कैलकुलेट करना है जो बेटे ऑड भी हो और मेरे बच्चे तीन से भी डिवाइड हो। तो मुझे दो, मुझे टू और हंड्रेड के बीच में एक ऐसा ग्रुप का सम करना है जो ऑड भी हो और तीन से डिवाइड हो रहा हो। इसका यह मतलब है कि टू के बाद एक नंबर मेरे पास थ्री आएगा जो ऑड भी है और बच्चों तीन से डिवाइड हो रहा है। इससे अगला नंबर फोर नहीं होगा क्योंकि फोर ऑड भी नहीं है और तीन से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। फाइव भी नहीं आएगा, सिक्स नहीं आएगा क्योंकि सिक्स जो है इवन नंबर है, मुझे चाहिए ऑड नंबर। तो इससे जो अगला नंबर होगा वो मेरे पास मेरे बच्चों नाइन होगा। फिर इससे अगला नंबर जो होगा वही होगा जो इन दोनों के बीच का गैप है, सिक्स है। इसका मतलब इसका अगला नंबर मेरे बच्चे 15 होगा, इससे अगला नंबर 21 होगा, मेरा लास्ट नंबर होगा 99 क्योंकि 99 नंबर मेरे पास ऑड भी है और बच्चे 3 से भी डिविजिबल है। तो ये मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया 3, 9, 15, 21, -91 जिसका ए मेरे पास 3 है, डी है मेरे पास 9 - 3 = 6 और बच्चा लास्ट टर्म है मेरे पास 99। तो an = 99 a प्लस n - 1 × d = 99, ए है मेरे पास 3 प्लस n - 1 × 6 = 99। तो 6n - 1 = 99 - 3, तो 6n - 1 = 96, तो n - 1 = 96/6। तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा मेरे पास 6, तो n - 1 = 16। तो ये आपके पास हो जाएगा n = 16+1 = 17। तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 और 100 के बीच में जो 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हैं, जो ऑड इंटीजर्स हैं, वो 17 हैं। इसका मतलब मुझे इस तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का 17 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। तो S17 = 17/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 17/2 × 102। ये आपके पास हो जाएगा 51। तो 17 × 51, तो 7 × 17 = 7, 85, 86, 867। तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरह के सवाल का सम हम कैसे करेंगे कि जब भी हमें इस तरह का सवाल दिया जाएगा कि फाइंड आउट द थ्री डिजिट नंबर सम विच आर डिविजिबल बाई टू थ्री, आपको कैसे भी कह सकता है, तो वो हमेशा मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उसका पहला टर्म क्या होगा, उसका लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म की मदद से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। मैं सिक्वेंस को तभी तो ऐड करूंगा जब मुझे ये पता हो कि मुझे कितने टर्म को सम करना है। ओके बेटा, चलिए। द सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ एन एपी 5 to 5, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के 25 टर्म का सम, फर्स्ट 25 टर्म का सम a1 + a2 + a3 - 25 का सम कितना है बच्चों, 5 to 5 है। और आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट हमारे 25 टर्म का सम 7 to 5 है। नेक्स्ट 25 का मतलब यह है कि पहला टर्म a26, फिर a27 कहां तक जाएगा बेटा, a50 तक जाएगा, और ये मेरे पास कितना है 7 to 5 है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से मुझे कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस, इन दोनों इंफॉर्मेशन से मुझे कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस। तो कैसे मैं कैलकुलेट करूं, तो देखिए बेटा ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, सेकंड में से अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कर देता हूं माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा a26 - a1
प्लस ए ट्वेंटी सेवन माइनस ए टू प्लस ये आपके पास हो जाएगा ए फिफ्टी माइनस ए ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सेवन सेवन ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव टू फाइव। तो ए ट्वेंटी सिक्स माइनस ए वन, ए ट्वेंटी सेवन माइनस ए टू, ए फिफ्टी माइनस ए ट्वेंटी फाइव। तो जब आप ए टू माइनस ए ए ए ट्वेंटी सिक्स माइनस ए को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ट्वेंटी फाइव डी माइनस ए प्लस ये आएगा ए प्लस ट्वेंटी सिक्स डी माइनस ए माइनस डी प्लस ये आएगा बेटा ए प्लस फोर्टी नाइन डी माइनस ए माइनस ट्वेंटी फोर डी इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास टू हंड्रेड। तो यहां पर ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव डी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा ट्वेंटी फाइव डी, ये भी कितना आएगा आपका ट्वेंटी फाइव डी इजिकल टू टू हंड्रेड। ट्वेंटी फाइव डी ट्वेंटी फाइव डी ट्वेंटी फाइव डी कितना आएगा मेरे बच्चों टू हंड्रेड। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास ट्वेंटी फाइव टाइम्स ट्वेंटी फाइव डी, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक पच्चीस बार इन सबको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों टू हंड्रेड। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 200 डिवाइड बाई 25 ये आ जाएगा मेरे पास 8 डिवाइड बाई 25 तो इसके हिसाब से मेरा d हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 25। तो इस तरह के सवाल आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले हम दो इक्वेशन बनाते, एस 25 बराबर 5 टू 5 लिखते, फिर हम एस 50 के लिए 25 हमें ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, वो बहुत मुश्किल मेथड होता। हमने क्या किया ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ए पी माइनस 15 माइनस 13 माइनस 11 आर नीडेड टू मेक द सम माइनस 55। मेरे पास कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है माइनस 15 माइनस 13 माइनस 11। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टर्म्स को मैं जोड़ूं कि उसका सम जो है माइनस का 55 आ जाए। चलिए साहब करते हैं कोशिश। कहता कि मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म जो है मेरे बच्चों माइनस 15 है और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा मेरे प्यारे बालक ए, यहां पर मेरे पास माइनस 15 है तो डी मेरे पास आ जाएगा 2। तो पहला टर्म तो मेरे पास माइनस 15 हुआ और इसका कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या हुआ बेटा 2 हुआ। तो कह रहा है कि साहब जो सम जो है सम मेरे पास 55 हो जाए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, तो कितने टर्म्स को मैं ऐड करूं। तो आप कहेंगे साहब एन टर्म को जब मैंने ऐड किया तो वो माइनस का 55 हो गया। ओके सर, तो एस एन का मतलब एन बाई टू, टू इंटू माइनस 15 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी, डी है मेरे पास 2, डी है मेरे पास 2। तो ये हो जाए और ये इक्वल टू होगा मेरे पास माइनस 55। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस 110, ये एन हो जाएगा माइनस 30 प्लस का 2n माइनस का 2 प्लस का 2n माइनस का 2 माइनस 110, ये एन हो जाएगा माइनस 32 प्लस ये मेरे पास 2n होगा। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा देखिए बेटा माइनस 110 इज इक्वल टू माइनस 32 एन प्लस 2n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 2n स्क्वायर माइनस 32n प्लस 10
वन वन जीरो, अब मैं टू से डिवाइड कर देता हूं तो एन स्क्वायर माइनस 16 एन प्लस, ये आपका हो जाएगा बेटा 555 बराबर जीरो। तो मुझे 55 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका सम मेरे पास 16 आ जाए। तो आप कहेंगे एन स्क्वायर माइनस 11 एन माइनस 5 एन प्लस 55 इज इक्वल टू जीरो। तो एन स्क्वायर, यहां से आप एन कॉमन लेंगे, एन माइनस 11, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 5 कॉमन लेंगे, एन माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो। तो एन माइनस 11 और एन माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 11 और एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 5। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जब मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माइनस 15 माइनस 13 माइनस 11 को अगर जोड़ू माइनस 55 तक, तो इसके डबल आंसर आ रहा है, इसका आंसर 2 आ रहा है। कि अगर मैं इस तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 11 टर्म को जोड़ूंगा तब भी मेरे पास माइनस 55 आएगा, और अगर 5 टर्म को जोड़ूंगा तब भी मेरे पास आंसर कितना आएगा 55 आएगा। तो इसके हिसाब से आंसर मेरा सी होगा। और ये ऐसा क्यों है कि इसका डबल आंसर आ रहा है? देखिए बेटा, अगर मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैं 11 टर्म्स लिखता हूं, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगर मैं 11 टर्म्स लिख रहा हूं, तो मेरे बच्चों ध्यान से समझना, माइनस 15 माइनस 13 माइनस 11 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरे पास 11 टर्म्स का सीक्वेंस है। अगर आप इसके 5 टर्म्स को ऐड करते हैं, अगर आप इसके 5 टर्म्स को ऐड करते हैं तो माइनस 15 माइनस 13 माइनस 11 माइनस 9 माइनस 7 20 33 40 55। तो इनका जो सम है, इन पांच टर्म का जो सम है वो भी माइनस 55 ही है। लेकिन बच्चों, अगर मैं इन 11 टर्म्स का सम करता हूं, इस 11 टर्म का मैं सम करता हूं यहां से लेके यहां तक, तो भी उसका सम हमारे पास 55 ही आएगा। देखिए बेटा, यहां तक मेरे पास माइनस 55 आया, यहां तक मेरे पास माइनस 50 आया। अब नेक्स्ट माइनस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस माइनस 1 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 11 टर्म्स का सम करूंगा तब भी मेरे पास माइनस 55 आएगा, और 5 टर्म्स का अगर मैं सम करूंगा तब भी मेरे पास माइनस 55 ही आएगा। तो इस वजह से इसके आंसर 2 आ रहे हैं। ओके बेटा, चलिए तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n स्क्वायर प्लस 2n देन एन टर्म इज, किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको सम ऑफ एन टर्म दे रखा है तो मुझे उसकी मदद से एन टर्म कैलकुलेट करना है। किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर मैं सम कैलकुलेट करता हूं तो बेटा एस एन इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन। यहां से लेके यहां तक मेरे पास एन टर्म्स हैं। अगर मैं यहां से लेके यहां तक एन माइनस वन टर्म का सम कैलकुलेट करता हूं तो यह होगा SN इज इक्वल टू SN माइनस वन प्लस AN। तो ये हो जाएगा SN माइनस वन इज इक्वल टू AN। तो इस तरीके से मैं किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकता हूं अगर मेरे पास सम ऑफ एन टर्म गिवन है। तो AN इज इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस वन की, जहां जहां मेरे पास N होगा वहां वहां मैं n माइनस वन पुट कर दूंगा।
तो ये आपसे कह रहा है कि मेरे बच्चों Sn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 2n है, तो मुझे कैलकुलेट करना है an, मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों an। तो जहां जहां n था मैं वहां वहां पुट कर दूंगा n माइनस 1, तो ये हो जाएगा बेटा 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर 2n माइनस 1। तो इस तरीके से मैंने Sn माइनस 1 कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास 2n प्लस, ये हो जाएगा 2n माइनस 1। तो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8n प्लस 2n माइनस 2। तो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस, मेरे पास हो जाएगा बच्चों 6n, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 2। मैंने सम ऑफ n माइनस टर्म कैलकुलेट किया, अब मुझे an कैलकुलेट करना है। तो an इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn है मेरे पास 4 एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4 एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2। तो यह हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2। फोर एन स्क्वायर से मेरे पास 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा 8n माइनस 2। तो ये मेरा एक आंसर हो जाएगा कि जब मुझे सम ऑफ n टर्म्स गिवन है तो मैंने उससे क्या कैलकुलेट किया बेटा, nth टर्म कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया बेटा? nth टर्म। तो बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं अपने चुटकी मेथड से सॉल्व करना चाहूं कि किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सम ऑफ एन टर्म अगर मुझे गिवन है तो मैं एन टर्म कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, एस एन एन की जगह एन माइनस वन पुट किया, फिर मैंने एन टर्म निकाला, उसको कैलकुलेट किया। देखिए बेटा इसकी दूसरी कहानी, इसका दूसरा मेथड ये होता है कि जब किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स ए एन स्क्वायर प्लस बी एन दे रखा हो तो कॉफिशियंट, तो जो मेरे पास कॉफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर होता है उसका डबल जो होता है वो मेरे पास हमेशा डी होता है। तो मैं इससे डायरेक्ट डी कैलकुलेट कर सकता हूं, इसका मतलब डी की वैल्यू यहां पे सीधी सीधी मेरे पास आ रही होती 8। द वैल्यू ऑफ डी इज 8, मुझे यहां पर डी की वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाएगी, डी इज इक्वल टू 8। और मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है वो एस वन ही होगा, एस वन बराबर ए, तो जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो जब मुझे किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना हो तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये है मेरे पास 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 n माइनस 8, तो ये आ जाएगा बेटा 8 n माइनस 2। तो मैं इस तरीके से सीधे सीधे मेथड से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, nth टर्म कैलकुलेट कर सकता हूं। जब किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन Sn किस फॉर्म में होता है, an स्क्वायर प्लस bn की फॉर्म में होता है, तो इस सम Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn से मुझे दो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पता है, d इज द डबल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, इसका मतलब d बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 8। जब मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स में अगर n की जगह मैं 1 पुट करूंगा s1 बराबर a होगा, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म का सम a की बात है, तो ये हो जाएगा a बराबर 6। और जब मुझे किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म मालूम हो जाए और कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो मैं उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब सम ऑफ n टर्म्स आपको दे रखा है
तो उसका एक प्रॉपर मेथड ये है, और हम इस शॉर्टकट मेथड इसको भी कह सकते हैं। जब हमारे ऑब्जेक्टिव में सवाल आए तो हम इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करेंगे। देखिए बेटा, कई बार इस तरह का सवाल पूछा जाता है, कई बार इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि वो आपसे कह रहा होता है कि मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोजेक्शंस का सम ऑफ एंटम्स है, सम ऑफ एंटम। उसने कहा एस एन इज इक्वल टू मेरे पास 3n² - 6n है, तो आपसे कहेगा कॉमन डिफरेंस। तो आप कह देंगे जो एन स्क्वायर का कोफिशियंट है उसका डबल मेरे पास कॉमन डिफरेंस होगा, तो 2 × 3 का मतलब सीधा सीधा इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखें कि जब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सम ऑफ एंटम्स दे रखा हो तो उसमें जो एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा वो हमेशा क्या होगा मेरे बच्चों, कॉमन डिफरेंस, उसका हमेशा डबल होगा, डी इज इक्वल टू 2a होगा। ओके मेरा बच्चा, तो इस चीज को आप जरूर याद रखिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4m² - m, देन nth टर्म इज 107। फिर वही कहानी है मेरे प्यारे बालक कि यहां पर मुझे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सम ऑफ एम टर्म्स गिवन है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों एस एम इज इक्वल टू है 4m² - m। तो मैं इससे mth टर्म कैलकुलेट कर सकता हूं, am इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे sm - 1। तो मुझे पहले sm(n-1) कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 4m-1² - m-1। तो ये हो जाएगा 4m² + 1 - 2m - m-1। ये हो जाएगा 4m² + 4 - 8m - m+1। तो ये है मेरे प्यारे बालक 4m² - 9m + 5। तो सम ऑफ m-1 टर्म्स मेरे पास आ जाएगा 4m² - 9m+5। अब मुझे am कैलकुलेट करना है, am = sm - sm-1। तो am = 4m² - 9m+5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4m² - 4m² + 9m - 5। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो am = 8m - 5। तो जब मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सम ऑफ एन टर्म गिवन था तो मैंने उसका mth टर्म निकाला, m की जगह मैं n पुट कर सकता हूं, तो यही इसका nth टर्म भी हो जाएगा। तो sn = -an = 8n - 5। तो ये कह रहा है कि साहब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो nth टर्म था वो 8n - 5 था। बहुत ही खुशी की बात है सर, an = मेरे पास 107 है, तो ये हो जाएगा 8n - 5 = 107। तो 8n = 107 + 5 8n = 1 1 12 तो n = 1 1 12 divide by 8, तो n = हो जाएगा बच्चों 1 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 14। तो द आंसर इज n = 14, तो द ऑप्शन इज बी। तो चलिए बेटा ओके। तो बेटा आज के हमने सेशन में आपको कुछ क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है कि जब मुझे किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सम ऑफ एन टर्म्स का कैलकुलेशन करना हो तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कि सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को ऐड करने के लिए उसका पहला टर्म मालूम हो, कॉमन डिफरेंस मालूम हो, और मुझे कितने टर्म का सम करना है ये मालूम हो। तो sn = n/2 2a + n-1 × sum of n terms, एंड sn = n/2a + an जब मुझे पहला और लास्ट टर्म दे रखा हो। तो चलिए बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो।
अगर हमारे पैसन अब आपको अगर हमारे सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बेटा, ओके।